सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, ठीक होंगे। गाइस, आज की वीडियो बहुत नहीं बहुत दिनों के बाद आ रही, क्योंकि यार अभी थोड़ा रेगुलर नहीं, शेड्यूल सब पूरा बिगड़ा पड़ा है। बस अभी थोड़े दिनों का देर कॉलेज रेगुलर हो जाएंगे तो मैं आपको डेली व्लॉगिंग करके दिखाऊंगा। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो के अंदर हम जाएंगे कॉलेज। तो आपको दिखाऊंगा मैं कैसे क्या कॉलेज जाता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, 6 बजे मैं उठा हूँ, जैसे अभी नहाता हूँ, फिर मैं निकलता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलो साथ ही है, भाई साहब भी उठ गए हैं। ओस्कर, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेलो, ये भी मेरे साथ साथ उठ गए हैं। तो चलो, सो फाइनली गाइस, यार मैं हो गया हूँ रेडी, यार बच गए हैं मेरे साथ, फटाफट अभी कॉलेज जाऊंगा, पूजा भी कर ली। तो गाइस मैं बताऊँ, मैंने नवरात्रि भी करे, 9 के 9 किए इस बार, पिछली बार भी किए थे, इस बार भी 9 के 9 करे हैं। तो अभी बस स्टैंड जाता हूँ पंजाबी बाग, फिर वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ, मेरी बस आती है, फिर बस से वहाँ कॉलेज जाता हूँ, फिर कॉलेज का सब कुछ, आज कॉलेज वगैरह, फ्रेंड वगैरह सबसे मिलवाता हूँ। तो चलो जल्दी जल्दी, ये हमारे भाई साहब वहीं के वही है। हेलो ओस्कर, अब आप नहीं करोगे हेलो, मुझे पता है। हेलो, हो कर रहे हो। ये हमारे एक और भाई साहब उठ चुके हैं जल्दी से, फटाफट से। ये लेट लतीफ़ है, लेट उठते हैं ये। बादल, ओ बादल, अब दोनों इनके खेल मारी शुरू हो गई, ये पूरे दिन खेलते रहना, मैं तो चला भाई, बाय। ठीक है तो मम्मी, बाय बाय बाय, जाऊंगा, चलो बाय ओस्कर, बाय बादल, खाता रही हो तो बाहर की चीज़, बाय बाय। तो भाई फाइनली गाइस पहुंच गया हूँ अपने बस स्टैंड पे पंजाबी बाग के। तो अब अपनी जैसे धीरे धीरे करके यहाँ पे बस आएगी, अभी तो 7 बज रहे हैं, 7:05, 7 मिनट में बस आ जाएगी मेरी, 7:15 या 20 मिनट में बस आ जाती है। तो थोड़ा जल्दी आना है भाई, जल्दी आना, चिल्ली निकल जाए तो फिर अफसोस होता है, जाना भी बहुत दूर है। तो भाई अभी बस आती है, बस दिखाता हूँ, उसके अंदर बैठते हैं, फिर कॉलेज जाता हूँ, फिर आपको कॉलेज दिखाता हूँ। चलो, ये मेरा बस स्टैंड, मेरी बस वहाँ से आएगी, अब वो जैसे भी आएगी मैं आपको दिखा दूंगा। तो फाइनली गाइस बस आ गई है मेरी, मेरी बस वो खड़ी हुई, वो जो येलो कलर की आपको दिख रही ना, वो खड़ी हुई। सो फाइनली गाइस, यार कॉलेज में पहुंच गए हैं, कॉलेज के एंट्री बाहर से दिखाता हूँ आपको कॉलेज कैसे, फिर अंदर जाके एक एक चीज दिखाता हूँ कि कैसे क्या कॉलेज, हमारे क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। तो गाइस ये है हमारा कॉलेज, शायद धूप की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी इसके अंदर चलते हैं, फिर आपको मिलवाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, दोस्तों से मिलवाता हूँ सबसे। अंदर घुस चुके हैं, अब दिखाऊंगा आपको कि चीज़ यार कैसे क्या होता है सब कुछ, एंट्री होती है हमारे कॉलेज की यहाँ। तो गाइस अभी हमारी फर्स्ट प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल लेके आएंगे, अभी दिखाते हैं एक्सपेरिमेंट जो भी कुछ होता है क्लास के अंदर जाके, लैब में जाके वहाँ पे आपको दिखाते हैं कैसे भी कुछ होता है। तो चलो, ये लैब है हमारी, सो गाइज अभी लैब में आ चुके हैं, तो मतलब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट मिला है हमें, तो हमें मतलब चार चार ग्रुप बना दिए, मतलब एक ग्रुप जैसे हम चार होगा, 1 2 3 4 5 हमारा ग्रुप है, 1 2 3 4 उनका ग्रुप है, और उधर पीछे ग्रुप है, एक उनका ग्रुप है। तो हमें एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मिला है, तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हमें अजीत बताएंगे, मैं अजीत से मिलवाता हूँ आपको। भाई हमारा ये एक्सपेरिमेंट है, तो इसके ऊपर बताएंगे, भाई बताओ क्या क्या करना, क्या क्या किया है इसके अंदर। हमने इथाइल बेंजोनेट डाला है 2 ml, उसके अंदर 15 ml हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। अच्छा, और फिर अब इसको हम हीट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हो, मतलब राउंड बॉटल था उसके, इसके अंदर मतलब हमने सारा सॉल्यूशन डाला हुआ, उसको 90 डिग्री टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं। हीट के लिए कितना टाइम बोला मैम ने? मैम ने बोला है कि 30 मिनट तक करना है। अच्छा अच्छा, इसको हम 35 मिनट तक कर लेंगे ताकि। अच्छा, फिर उसके बाद हीट के बाद क्या होगा? इसके एक्स्ट्रा लेयर जो है ना वो डिसअपीयर हो जाएंगे, फिर हम उसको यहाँ से हटा करके इसके अंदर हम ठंडा करेंगे, मतलब इसको। अच्छा अच्छा, और उसके अंदर HCl डाल देंगे। तो अजीत इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा फिर? मतलब बेंजोनिक एसिड के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, उसको हमें फिर फिल्टर पेपर से ऐसे कवर करके घर ले जाना। अच्छा अच्छा, फिर कितनी देर में रिकवर हो जाएगा ये? 45 मिनट में हो जाएगा पूरा।
अच्छा अच्छा 45-50-55 मिनट तक करो, स्मेल ओके मैम ओके। एक्सपेरिमेंट तो अपना चल ही रहा है और साथ साथ ही मेरे भाई दोस्त संजय ने ये चाय बना दी यहाँ पे। एक्सपेरिमेंट होता पर ये भाई कह रहा था कि आज मैं कुछ पीना है मुझे, मैंने तो लिए तो चाय बना, अब इसके ऊपर देखते कैसे चाय पिलाते हैं। है भाई संजय, कैसे चाय बना रहे हो आप? देखते हैं बनने के बाद पता चलेगा कैसे। वो भी चलो, देख कितना टाइम लग जाएगा इसमें? 10-5 मिनट। चलो, और एक्सपेरिमेंट का क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट का हमारा रिजल्ट तो आ चुका है लेकिन कंफर्म रिजल्ट नहीं है। अच्छा, अभी वो ठंडा कर रहे हैं ना उसको? अच्छा 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 अच्छा। चलो, सो फाइनली गाइस यार हमारी लैब अब खत्म हो गई है। लग रही है भूख यार, मेरे तो फास्ट है इनका ही सब कुछ। अभी क्लास में जाएंगे, क्लास में जाके देखते हैं कैसे क्या खाना पीना होता है। सो गाइस अभी यार लंच भी हो गया, क्लास भी खत्म हो गई है, खा लंच वंच करके नीचे आए हैं। अभी तो अब दोस्तों से मिलवाते हैं, सारे यहीं के यहीं बैठे हुए हैं और भी इधर उधर सारे, मतलब एक जगह भी इकट्ठे हैं थोड़े बहुत, तो इन सब से मिलवाता हूँ और बाकी जैसे मौका मिलते जाएगा मिलवाते जाऊँगा। चलो अभी इनसे मिलवाता हूँ आपको। तो भाई ये सारे के सारे बैठे, मैं एक एक करके आप सबको इंट्रो करवाता हूँ। सबसे पहले ये मेरे दोस्त जतिन, बस बढ़िया, विकास, संजय, रोहित, बढ़िया भाई, सलीम, प्रतीक। ये हमारा पबजी प्लेयर है, बहुत पबजी खेलता है ये, प्रो प्लेयर है। उस दिन हराया था इसको, प्रो प्लेयर है, हाजिर है। हाँ, बोट बोट मारता है बस ये। कोहली देखा कैसा लग रहा है हमारा कोहली संजय? चाय बनाए, चाय पी के आए थे अभी अभी। तुम यार लेट आए यार, रोहित है भाई ना। तुम गए थे क्लास में, लेके आए तुम्हें? चलो सही है यार भाई। तो भाई ये हमारे जो सीनियर है शायद उनकी एग्रीकल्चर की क्लास चल रही है। तो ये हमारा नंबर, हमारी एग्रीकल्चर है सब्जेक्ट है, हमारा तो सब्जेक्ट है ही नहीं है इनका है। हम दवाई बनाने वाले सारे के सारे ही। और सारे जो बच्चे हैं वो अपने, पता नहीं कोई इधर बैठा हुआ है कोई उधर बैठा हुआ है, उनसे मिलवाऊंगा जैसे भी मौका। तो गाइस हुआ ऐसा कि यार क्लास वगैरह तो थी नहीं कोई, मैं 4 बजे हमारी कॉलेज की ऑफ होता है तो यार बहुत बहुत टाइम था, 2-3 घंटे 3-4 घंटे पड़े हुए थे। तो मैं वहाँ से निकल गया, तो अभी आया हूँ वहाँ से बस में, अब यहाँ मेट्रो स्टेशन पे हूँ, फिर मेट्रो स्टेशन से सीधा अपने घर। तो अब आगे आगे चलते हैं मेट्रो में, फिर घर पहुँचता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपना मेट्रो स्टेशन है इफ्को चौक, यहाँ से अपना सीधा पटेल नगर, फिर पटेल नगर से आपसे बात करवाता हूँ। सो गाइस मेट्रो स्टेशन पे ऊपर आ गया, अब टिकट लेनी है यार, बहुत थक गया हूँ, फास्ट वैसे खाया कुछ नहीं है। अभी घर जाके देखते हैं क्या करना है जल्दी जल्दी। और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताना कि यार व्लॉग कैसे लग रहे हैं, डेली व्लॉगिंग करूँ या ना करूँ, जैसा भी कुछ हो आप मेरे को बता देना। अभी यहाँ पे यार थक गया हूँ तो आगे चलिए मिलवाता हूँ सॉरी बात करते हैं। सो फाइनली गाइस यार स्टेशन पे आ गया हूँ, कम से कम 1 घंटा लग गया, 40-45 मिनट लग गई है। तो अभी स्टेशन पे आ गया हूँ, घर जाऊँगा यार, बहुत थक गया हूँ, भूख भी बहुत तेज लग रही है यार। फास्ट की कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें खाऊँगा, अभी घर जाता हूँ फिर बताता हूँ। चलो घर चलते हैं पहले। ये दोनों के दोनों मेरे इंतज़ार में थे, बादल एंड ओस्कर बिट्टू। अबे एटीट्यूड दिखाएगा ओस्कर तो वो करेगा। हाँ बिट्टा ये बहुत प्यार करते हैं। बस। सो गाइस यार व्लॉग को एंड करते हैं भाई, सब कुछ खा लिया, अभी घर पहुंच के पूरा थक गया हूँ बहुत गंदे तरीके से। अभी खाया है व्रत के जो चिप्स वगैरह होते हैं वो सब खाया है, पेट अभी थोड़ा सा शांति मिली, ये नहीं कह सकते कि पूरा फुल हो गया, क्योंकि पूरा फुल जब ही होता है जब तुम घर की रोटी खाते हो जो तुम्हारे मन में। पता क्या हुआ, अभी मैं आ रहा था ना वापस यहाँ से, तो वहाँ से कॉलेज से आ रहा था, तो भाई मेरे को रास्ते में कभी गोलगप्पे दिख रहे कभी कुछ दिख रहे, भाई इतना मुंह में पानी आ गया वो मैं ही जानता हूँ मैं क्या कंट्रोल करूँ। फिर मैं सोचा व्रत करते यहाँ पे आ गया। तो भाई यार आपको व्लॉग, अगर आपको डेली व्लॉगिंग चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ।
और जो नेक्स्ट व्लॉग मेरा आएगा आप बताना मैं किस टाइप का व्लॉग रहा हूँ। वैसे तो नेक्स्ट आएगा तो मैंने अभी तो कॉलेज के अंदर कुछ ज्यादा कुछ दिखाया नहीं है, नेक्स्ट व्लॉग के अंदर सब कुछ दिखाऊंगा मेरा कॉलेज कैसा क्या है, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ग्राउंड वगैरह हॉस्टल वगैरह सब कुछ है, तो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा और सारे दोस्त उन सबसे मिलवाऊंगा। तो गाइज आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो कैसी बनाऊं। तब तक के लिए खुश रहो, ओके बाय।